बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईएसपी ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। टुडे इज लेक्चर नंबर 1 फॉर द कोर्स ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन 1। दिस कोर्स इज जनरली फॉर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स फॉर 2018। आई मायसेल्फ इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद असलम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान। टुडे इज लेक्चर नंबर 1 एंड वीक नंबर 1। सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक रिइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन से रेलेवेंट अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। थियोरेटिकल पार्ट जो हमारा होगा इस कोर्स का, उसमें हम बुक फॉलो करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट बाय एम लेवल। ये बड़ी डिटेल में बुक अवेलेबल है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के हवाले से। उसके बाद आप स्ट्रक्चर कंक्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन बाय नदीम हसन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड बाय रिइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन बाय वांग एंड चार्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन डार्विन एंड चार्ल्स डुरान, ये भी आप बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इन अवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक ऑन द कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट मटीरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। के कंक्रीट के जो इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट्स हैं वो कौन से इन्ग्रेडियंट्स होते हैं, उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा स्ट्रक्चरल मटीरियल्स इन जनरल एंड कॉन्क्रीट मटीरियल्स इन स्पेसिफिक हम डिस्कस भी करेंगे, और उनकी मेजर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हम इंडस्ट्री के अंदर फोकस करते हैं, उनको भी आज हमने डिस्कस करना है। सो द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर कॉन्क्रीट कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चरल मटीरियल्स। के कॉन्क्रीट के लिए कौन से मटीरियल इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल मटीरियल्स कौन से अवेलेबल हैं, उनको आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। So first of all, we will discuss about cement, then we will discuss about water, timber, sand, aggregate, mortar and in general concrete. हमने discuss करना है ये तमाम materials बहुत ही ज़्यादा important होते हैं real industry के अंदर, real field के अंदर। इन materials की basic information and in detail information होना बहुत ज़रूरी है। So coming back to the topic cement. Cement in general sense of a word can be described as a material with cohesive and adhesive properties. के सीमेंट जो है जनरली हमने एक नाम दिया हुआ है, वो ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर cohesive and adhesive properties होती हैं, जिनके अंदर जिनकी वजह से मटीरियल एक bonding ability रखता है। मटीरियल के अंदर एक बॉन्डिंग नेचर डेवलप होती है इन कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज की वजह से, जो जब पानी के साथ आप ऐड करते हो वो एक स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मास सब्सटेंस बन जाता है एंड के अंदर। सो दिस डेफिनेशन एम्ब्रेसेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल्स। कि अगर हम सीमेंटिंग मटीरियल की कोहेसिव और एडहेसिव की बेस पे बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ मटीरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल पर्पजेज के लिए, कंस्ट्रक्शनल पर्पजेज के लिए इस टर्म को नाम दिया गया है एज अ सीमेंट, बिकॉज इट इज ओनली यूज टू बाइंड द स्टोन्स, टू बाइंड द ब्रिक्स एंड टू बाइंड द ब्रिक ब्लॉक्स। क्या आप इंडस्ट्री के अंदर जो मटीरियल यूज करते हो, सीमेंट यूज करते हो, उसके साथ किसको बाइंड करने के लिए, स्टोन्स को, स्टोन मैसनरी के अंदर भी हम यूज करते हैं, ब्रिक मैसनरी के अंदर भी, ब्लॉक मैसनरी के अंदर भी। तो इसी वजह से इन मटीरियल्स को या इन जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं या स्ट्रक्चरल जो मटीरियल्स हैं, सैंड ब्रिक्स ब्लॉक्स वगैरह, इनको बाइंड करने के लिए हमने इस मटीरियल को नाम दिया हुआ है एज अ सीमेंट। तो मेजर जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट के अंदर, दैट इज लाइम। क्योंकि ये सीमेंट जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मटीरियल से बना हुआ है, जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं प्रीवियस कोर्सेज के अंदर या कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स के अंदर। और इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि इसके अंदर लाइम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको कैल्केरियस सीमेंट भी कहा जाता है। The cements of interest in the making of concrete have the property of setting and hardening underwater by virtue of a chemical reaction. कि जब आप पानी ऐड करते हो सीमेंट के अंदर तो एक केमिकल रिएक्शन डेवलप होता है, जिसके अंदर सीमेंट के अंदर एक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है। उस हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से इसका इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम भी कंट्रोल होता है, और फाइनली जो है ये एक हार्ड सब्सटेंस बनता है, जो कि पानी की वजह से रिएक्शन हुए, इस वजह से इन सीमेंट्स को हम हाइड्रोलिक सीमेंट्स भी कंसिडर करते हैं। सो हेयर वी हैव अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे कौन कौन से मिलके सीमेंट एक मैन्युफैक्चर करते हैं या सीमेंट का कंपोनेंट जो डेवलप होता है
उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है 60-67%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके पास 17-25% होता है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड भी है 3-8%, आयरन ट्राइऑक्साइड भी है 0.5-6%, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है 0.5-4%। उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम अल्कलीज और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी ऐड करते हैं जो कि 0.3-1.2% और 2-3.5% भी ऐड होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जिप्सम भी ऐड होता है सीमेंट के अंदर, और अगर आप कलरिंग एजेंट्स वगैरह कोई मजीद ऐड करना चाहते हो या सीमेंट का जो स्पेसिफिक टाइप है उसको चेंज करने के लिए भी हम कंपोजिशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो मेजर टाइप्स ऑफ द सीमेंट जो कि इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुली और मेजरली जो यूज होते हैं, दैट आर सिक्स टाइप्स ऑफ सीमेंट। नंबर वन इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो कि ऑर्डिनरी है, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, आपने यूज करते हुए देखा भी होगा। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली जो क्विकली डेवलप करता है स्ट्रेंथ को, यानी अगर आप नॉर्मल वेट सीमेंट से कंपेयर करो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की परफॉर्मेंस को रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की परफॉर्मेंस से, तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो क्विकली स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। यानी कि आप अगर 28 डेज स्ट्रेंथ अचीव करते हो फॉर नॉर्मल ओपीसी, तो वो आप स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हो एट 7 डेज या 3 डेज के ऊपर बाय यूजिंग रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप इज लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। अब सम रीजन के अंदर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा हायर होता है, उन टेम्परेचर हायर जोन के अंदर हम लो हीट सीमेंट्स को प्रेफर करते हैं ताकि कंक्रीट का आउटर सरफेस जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो इनर जो टेम्परेचर है वो कम से कम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट हो। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा जनरेट होती है, आउटर टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो देयर मस्ट बी ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देयर इनर आउटर साइड दोनों के ऊपर, जिसकी वजह से क्रैकिंग वगैरह के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एसआरसी सीमेंट है जिसको हम सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट इसके नाम से ही रिजेंबल करता है कि जहां पे आपके पास साल्टी सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जो केमिकल्स आ जाते हैं, उनको आपने जब रिमूव करना होता है तो वहां पे आप सल्फेट सीमेंट यूज कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो मुल्तान के अंदर या एक कराची के अंदर बनाते हो, क्योंकि वहां पे कराची में हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर सी वाटर एड हो चुका होता है, तो वहां पे हमारे पास जो सॉल्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा मिकदार में पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारा जो पर्पस होता है वो क्या, हम उन सॉल्ट्स को हमने रेजिस्ट करना है, रोकना है ताकि वो स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट ना हो पाए या एड ना हो पाए। अगर वो सॉल्ट ऐड हो जाते हैं हमारी फील्ड हमारे मटेरियल्स के अंदर, सीमेंट्स के अंदर या कंक्रीट के अंदर या ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये एक जो है वो डेंजरस सब्सटेंसेस बनते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर की रिड्यूस हो जाती है। उस केस में आप क्या करते हो कि फाउंडेशंस के अंदर जब आप कंक्रीट यूज करते हैं तो वहां पे हम प्रिफरेबली एसआरसी सीमेंट यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास वाइट सीमेंट हैं, पिगमेंट्स हैं जो कि आर्किटेक्चर पर्पजेस के लिए, एस्थेटिक व्यू वगैरह के लिए हम प्रेफर करते हैं, यूज भी करते हैं। उसके बाद पोर्टलैंड ग्लास फर्नेस सीमेंट है, ये आपको ग्लास फर्नेस स्लैग जो है इंडस्ट्री से मिलता है, ये जो है वो सीमेंट की इंडस्ट्री आप कह लो या स्टील की इंडस्ट्री से एक ब्लास्ट फर्नेस हाई टेम्परेचर के अंदर जो कुछ मटीरियल्स डेवलप होते हैं उनको बाद में हम प्रिपेयर करके सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद सीमेंट के ऊपर कौन कौन सी टेस्ट परफॉर्म होती हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट है। कंसिस्टेंसी बेसिकली इज द यूनिफॉर्मिटी, कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्कूल है, स्कूल के अंदर ओवरऑल तमाम बच्चों की यूनिफॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी से कहने के मुराद कि ओवरऑल जो आपका मटीरियल है जब आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हो तो तमाम मटीरियल जो है वो यूनिफॉर्मिटी शो कराए, कंसिस्टेंसी शो कराए, जिसको हम लीच एटेलियर अपैरेटस के जरिए से जो है वो मैयत कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर और हमारी लेबोरेटरीज के अंदर भी। और कंसिस्टेंसी जो है वो विकर अपैरेटस के जरिए मैयत भी होती है, और यूजिंग 10 mm डायमीटर प्लंजर जो कि फिट होता है मटीरियल के ओवरऑल जो इक्विपमेंट के अंदर। तो ये हमारे पास जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है जिसके अंदर हम ओवरऑल मटीरियल की यूनिफॉर्मिटी को चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग टाइम है, सेकंड टेस्ट। सेकंड सेटिंग टाइम के अंदर आपके पास इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम है, इसको भी आप विकेट अपैरेटस के जरिए कर रहे होते हो। हमारे पास जो है वो राउंड नीडल होती है जिसका डायमीटर 1.13 जो है वो प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर होता है, इसको हम पेनिट्रेट करते हैं हमारी जो सीमेंट पेस्ट हमने बनाई हुई होती है।
तो नॉर्मली जब जैसे ही पानी आपने ऐड किया, ऐसा ऐसा जब वो पेस्ट ड्राई होती जाती है, तो ड्राई होने की वजह से वो इंसर्शन जो है, जो पेनिट्रेशन है जो पिन की, वो हमारी कम होती जाती है। तो वहां से हम डिसाइड करते हैं कि मटेरियल या नॉर्मल ओपीसी सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है। नॉर्मली जो हमारा ओपीसी है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम वेरी कर रहा होता है 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक, और जो हार्डिंग टाइम होता है या फाइनल सेटिंग टाइम वो 6 आवर टू 8 आवर तक भी जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट इज द साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट बेसिकली इज टू मेजर द ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक चेंज। कि ओवरऑल जब आपने एक सीमेंट पेस्ट का कोई भी छोटा सा क्यूब या छोटा सा कोई स्पेसिमेन बनाया, तो हम उसके अंदर ये चेक करते हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस कितनी आई इस मटेरियल के अंदर, आइदर इन द टर्म्स ऑफ श्रिंकिंग वो रिड्यूस हो जाता है, या आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन कि वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर हम ओवरऑल वॉल्यूम को चेक कर रहे होते हैं बाय ऑब्जर्विंग साउंडनेस टेस्ट। उसके बाद स्ट्रेंथ है। कोई भी मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ हमारे लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ हार्डेंड सीमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इज परहैप्स मोस्ट ऑब्वियसली रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर यूजेस। कि अगर आप स्ट्रक्चर के पर्पसेस के लिए जब सीमेंट को यूज करते हो, तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस रखती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। It is not surprising, therefore, that the strength tests are prescribed by all the specifications of cement. We have to consider all the specifications and core suggested guidelines, जो कि हमें सीमेंट के लिए या सीमेंट की टेस्टिंग के लिए गिवन है। Strength of mortar or concrete depends on the cohesion of the cement test. कि जितना आपने सीमेंट पेस्ट या कोहेसिव सीमेंट पेस्ट रखा है, अगर आपने पानी बहुत ज्यादा ऐड कर दिया तो कोहेसिवनेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, और on its adhesiveness to the aggregate particles. एक material के अंदर cohesiveness या cement के particles के दरमियान cohesion कितनी है, और उस cement paste की adhesion कितनी है aggregate के साथ, और somehow extent of the strength of the aggregate itself. ये तीनों चीजें valuable एक importance रखनी होती है strength of the cement के अंदर। Number one thing we have a cohesion of cement. And second is the adhesion of aggregate, and third basically is the strength of aggregate itself, जिसको हम फिलहाल consider नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो main target है वो strength of aggregate नहीं, cohesion and adhesion of cement particles है। तो इस वजह से हम क्या consider कर रहे होते हैं कि the overall quality of the cement paste is basically depending on the adhesion and cohesion of the cement particles. उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो कि इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल, दैट इज वाटर। वाटर के लिए कहा जाता है कि वो वाटर जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप कंक्रीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि हम तो मिनरल वाटर पीते हैं, लेकिन हम जो नॉर्मल टैप वाटर आता है उसको भी हम प्योरीफाई करके जो फिल्टर प्लांट्स के जरिए से हम अचीव करते हैं वो भी हम पी रहे होते हैं, तो कहने का जो मकसद है कि जो द परफेक्ट वाटर और फिट वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस कैन बी यूज फॉर द स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट। इसके अंदर अगर आपके पास ड्रिंकेबल वाटर कम है, तो आपने जो पानी कंक्रीट के लिए यूज करना है उसमें एहतियात रखनी है कि कम से कम ये फॉलोइंग जो मटीरियल्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं उससे आपका पानी जो है वो फ्री होना चाहिए। वो इंग्रेडिएंट्स पानी के अंदर मौजूद ना हो तो उससे हमारी ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर रहती है। सच एज अल्कलिनिटीज। अल्कलिनिटी कहने का मकसद कि जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, साल्ट्स हैं, वो हमारे प्रेजेंट ना हो पानी के अंदर। अगर साल्ट प्रेजेंट होंगे तो जैसे ही सीमेंट के अंदर आप पानी को ऐड करोगे कंक्रीट के अंदर, तो ये एडिशनल साल्ट सीमेंट के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकंड इज द कलर ऑफ वाटर। अब जैसे आप एक सिंपल वाटर देखते हैं घर के अंदर कूलर के अंदर रखा हुआ पीने का जो पानी है, वो एक कलर आपको उसका अपियरेंस या ट्रांसपेरेंट कलर आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन एक वाटर है, फॉर एग्जाम्पल गटर वाटर आप कह लो, या कोई भी डर्टी वाटर है, उसको आप जब देखते हैं तो ब्लैकिश कलर नजर आ रहा होता है या कोई और कलर है, तो आपने कलर्ड वाटर जो है वो यूज नहीं करना कॉन्क्रीट पर्पजेस के लिए, क्योंकि कलरिंग पिगमेंट्स या कलरिंग एजेंट्स जो है वो भी समहाउ रिएक्शन क्रिया रिएक्शन के अंदर या केमिकल्स के अंदर रिएक्शन के चांसेस डेवलप करते हैं। उसके बाद पीएच वैल्यू।
पीएच बेसिकली इज द स्केल टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर, क्या इधर वाटर जो है वो बेसिक है या एसिडिक है, या अगर आपका वैल्यू जो है वो 7 या 7.5 तक है तो हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो कंक्रीट के लिए जो वाटर आप प्रिफरेबली यूज करते हैं उसका पीएच वैल्यू जो है वो 6 से लेके 8 तक आपका वैरी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उसी रेंज के अंदर आपने प्रिफरेबली यूज करना है। उसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट एंड ओडोर। बेसिकली टेस्ट, वाटर का अपना एक टेस्ट होता है, ओडोर यानी स्मेल, अगर पानी आपका एक गंदी स्मेल प्रोड्यूस कर चुका है तो उस किस्म के वाटर को आपने अवॉइड करना है, हमने इंडस्ट्री के अंदर कंक्रीट के अंदर यूज नहीं करना। उसके बाद अगर कोई वाटर है जिसके अंदर मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड सॉल्ट्स वगैरह मिक्स हो गए हैं तो उनको भी हमने यूज नहीं करना। कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर मौजूद है तो उनको भी हमने यूज नहीं करना। और अगर कोई हैवी मेटल्स वगैरह भी डिजॉल्व हो गए हैं पानी के अंदर तो उस पानी को भी हमने कंक्रीट के पर्पस के लिए यूज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिम्बर। टिम्बर इज आल्सो अनदर एडिशनल स्ट्रक्चरल मटेरियल, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल। द वुड सुइटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और फॉर एनी अदर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग पर्पस कैन बी कंसीडर्ड एज अ टिम्बर। नॉर्मली तो हम लकड़ी कहते हैं, वुड कहते हैं, लेकिन वो वुड जो आप इंजीनियरिंग पर्पस के लिए या सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जब यूज करते हो तो उसका टर्म जो है वो वुड से चेंज होके उसको हम टिम्बर कहते हैं, जो कि नॉर्मली जो है वो बहुत ज्यादा जगहों पे आप स्ट्रक्चर के अंदर यूज भी कर सकते हैं। टिम्बर के यूजेस क्या है? इट कैन बी यूज एज पोस्ट, बीम्स, लेंटल्स, डोर्स एंड विंडोज, इनके लिए हम यूज कर सकते हैं। फ्लोरिंग पर्पजेस के लिए भी, रूफिंग एंड सीलिंग्स के लिए। इट कैन बी यूज एज अ राफ्टर्स, पर्लिंस एंड ट्रसेस। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर द इंटीरियर डेकोरेशन पर्पजेस एंड यूज फॉर द मेकिंग ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट गुड्स, रेलवे स्लीपर्स, ETC। ये तमाम यूजेजेस हैं आपके टिम्बर के, जो कि इंडस्ट्री के अंदर हम कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर हम यूज करते हैं। अभी आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके अंदर तमाम ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो लकड़ी के लगे हुए हैं। आप इसको एज अ बीम्स के तौर पे भी यूज कर सकते हो, लिंटल्स के तौर पे भी। उसके बाद हमारे पास फ्लोरिंग्स के पर्पस में भी है, राफ्टर्स हैं, पर्लिंस हैं, ट्रसेस हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम लकड़ी के यूज करते हैं रियल फील्ड के अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ टिम्बर है, इसके अंदर दो मेजर टाइप्स हैं, हार्डवुड टिम्बर है और सॉफ्ट वुड है। हार्डवुड जो ट्रीज होते हैं बेसिकली लार्ज लीव्स होते हैं उनके, और वो डेसीडियस ट्रीज होते हैं जो कि फास्ट एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर लार्जर ट्रीज होते हैं और उनके पत्ते जो हैं वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसको हम हार्डवुड कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनको जो एग्जांपल्स हैं वो टीक है, साल है, शीशम है। तो ये तमाम टाइप जो है वो हार्डवुड ट्रीज के अंदर आती हैं या हार्डवुड टिम्बर्स के अंदर आती हैं। सॉफ्ट वुड बेसिकली आर द कोनिफेरियस एंड हैविंग अ पॉइंटेड लीव्स। ये आपके पॉइंटेड लीव्स की तरह लंबे दरख्त होते हैं जिनको हम दियोदार, पाइन और केल की जो कैटेगरीज हैं वो आपकी सॉफ्ट वुड कैटेगरी के अंदर आती है टिम्बर के अंदर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर बेसिकली कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं? टिम्बर मस्ट हैव अ गुड स्ट्रेंथ, आल्सो हैव अ हार्डनेस, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, टेक्सचर, ड्यूरेबिलिटी, स्मेल, ETC। तो जो प्रॉपर्टीज हैं टिम्बर की, उसके अंदर जब हम टिम्बर को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फिट है या कौन सा टाइप ऑफ टिम्बर जो है वो फिट है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसमें हम स्ट्रेंथ भी चेक कर रहे होते हैं, उसका पावर मटेरियल का, हार्डनेस है, रेजिस्टेंस है एनी टाइप ऑफ मटीरियल की अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ चेंजेस टफनेस के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है कि वो हुक्स लॉ को फॉलो करता हो, सरफेस टेक्सचर कैसी है उस लकड़ी की, ड्यूरेबिलिटी के उसकी लाइफ कितनी है, ओवरऑल कितने अरसे तक वो सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लकड़ी की स्मेल, या एक स्मेली लकड़ी है या जो है वो नॉर्मल हमारे पास एक खुशबूदार लकड़ी है, तो ये चीज़ें भी हम चेक कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिम्बर के, जब टिम्बर आप प्रिफर करते हो, यूज करते हो, तो एक टिम्बर जो है हम जो प्रिफर करते हैं मस्ट बी अ ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव। उसके बाद एबिलिटी हो उसके अंदर पेनिट्रेट फ्रॉम इनसाइड के, कोई चीज़ भी हम लगा रहे हैं तो इजीली हम फिट कर सकें। एडवर्सली अफेक्टिव टिम्बर की, जो टिम्बर है बेसिकली वो वेरियस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स वगैरह अपीयर हो सकते हैं टिम्बर के ऊपर, तो एडवर्सली अफेक्टेड होता है टिम्बर, तो हमने कोशिश करनी है उसको हम जितना सेफर साइड के ऊपर रख सकते हैं हमने रखना है। शुड नॉट एमिट एनी ऑफेंसिव स्मेल, तो उसमें से कोई भी एक गंदी स्मेल लकड़ी में से नहीं आनी चाहिए। फायर प्रूफ होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, लकड़ी जो है वो
फायर कैचिंग मटेरियल है, हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो है वो ग्लेजिंग या कोई या एक इम्परमीएबल लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि जो फायर है वो कम से कम हमने जो है वो हमारे वुड को जो डैमेज कर सके। उसके बाद पॉइजनस है, जो आपकी लकड़ी है वो कम से कम डेंजरस या पॉइजनस होनी चाहिए इंसेक्ट्स के लिए, फंगस के लिए, वाइट एंट्स या दीमक वगैरह के लिए और इन टाइप ऑफ अदर इंसेक्ट जो लकड़ी को खाते हैं। तो हमारा जो जो हमने इंडस्ट्री के अंदर यूज करनी है लकड़ी वो या तो पॉइजनस होनी चाहिए या उसके सरफेस के ऊपर जो आपने केमिकल्स वगैरह लगाए हैं वो पॉइजनस होने चाहिए ताकि इन तमाम इंसेक्ट्स वगैरह से हम उसको बचा सकें। उसके बाद लकड़ी जो है वो चीपर होनी चाहिए ताकि हम इंडस्ट्री के अंदर उसको यूज भी कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ सैंड। अब सैंड बेसिकली इज एक्सट्रीमली नीडफुल मटीरियल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटीरियल है फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बट दिस इंपॉर्टेंट मटीरियल मस्ट बी परचेज विद ऑल केयर एंड विजिलेंस। कि जब आप सैंड को परचेज करते हैं तो उस वक्त हमें एक प्रॉपर केयर और प्रॉपर इंस्पेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मटीरियल है। जब आप कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हो जो सैंड, वो मस्ट बी साफ होनी चाहिए, मस्ट बी क्लीन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम वेस्ट स्टोन्स एंड इम्प्योरिटीज, के जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं स्टोन के पार्टिकल्स हैं उनसे वो फ्री होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट टाइप ऑफ सैंड इज बेनिफिशियल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, एज सैंड इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट फॉर्म्स दैट मेक इट सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल। कि आपका जो ओवरऑल सैंड है उसको आप जब चूज करते हैं, क्योंकि वो सैंड जो है वो तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स ऑफ सैंड, तो कौन सी हमने प्रीफरेबली यूज करनी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वहां पे हमें एक प्रॉपर केयर के साथ हमें चूज करना होता है। उसके बाद जो सैंड हम यूज कर रहे हैं शुड नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक सिल्ट, क्ले एंड साल्ट्स, के साल्ट्स, क्लेज और सिल्ट्स वगैरह के पार्टिकल्स जो है वो सैंड के अंदर नहीं होने चाहिए। दीज इम्प्योरिटीज कैन अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जो आपकी सैंड की ओवरऑल क्वालिटी है वो ओवरऑल क्वालिटी आपकी स्पेसिफिकली जो है वो उसकी मेजर प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रही होती है, स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रही होती है। सो इन अदर थिंग वी कैन से दैट दैट इट कैन आल्सो बी फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या आप समटाइम्स आपने देखा होगा कि कहीं से भी हम लकड़ी उठाते हैं वहां पे छोटे छोटे घास फूस वगैरह वो भी ऐड हो जाते हैं, कोई जानवरों का जो है वो गोबर वगैरह इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो भी ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वगैरह है उनसे हमारी जो सैंड है वो मस्ट बी फ्री होनी चाहिए। कोर्स एंड वेल ग्रेडेड एंगुलर ग्रेन्स इन सुइटेबल प्रोपोर्शंस कैन बी प्रेफरेबली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और जो सैंड के ग्रेन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, शुड बी हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, फ्री फ्रॉम हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। जो ओवरऑल मॉइस्चर है उससे वो फ्री होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर यानी पार्टिकल्स के अंदर का पानी प्रेजेंट हो, कैपिलरी पोर्स होती है छोटी छोटी या वॉइड्स होते हैं उनके अंदर, उनका जो पानी है वो उनसे पाक होनी चाहिए हमारी सैंड। अदरवाइज आपका जो ओवरऑल वाटर कंटेंट है वो ज्यादा होना हो जाता है, ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सैंड कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड जो है वो किस तरह से है, तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्सर सैंड। फाइन सैंड की जो पार्टिकल साइज है वो 0.075 टू 0.425 मिलीमीटर तक होती है, मीडियम सैंड 0.425 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर तक जो रेंज है इसको हम मीडियम सैंड कंसीडर करते हैं, और 2 से लेके 4.75 मिलीमीटर तक जो रेंज है उसको हम कोर्सर सैंड कंसीडर करते हैं। हाउएवर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड इज फर्दर हैज टू टाइप्स ऑफ सैंड इन पर्टिकुलर एंड ऑन दैट बेसिस ओनली दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कि हमने इनको मजीद कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1 दैट सपोज वी हैव अ पिट सैंड, पिट सैंड आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ कोर्स सैंड, क्योंकि ये आप एक खड्डा खोदते हो, खड्डे में से आप मटेरियल को कलेक्ट कर रहे होते हो एज अ फाइन एग्रीगेट। दिस टाइप ऑफ कोर्स सैंड इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम डीप पिट्स ऑफ एबंडेंट सप्लाई एंड इट इज जनरली इन रेड ऑरेंज कलर। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि रेड ऑरेंजिश कलर होता है इसका। ये पार्टिकल जो है वो कोर्सर होते हैं, ग्रेन इन शार्प होते हैं, एंगुलर एंड सर्टेनली फ्री फ्रॉम साल्ट्स, ये चीज मोस्टली एम्प्लॉयड इन द कंप्यूटिंग पर्पसेस।
या आप एक खड्डा खोद के जमीन के अंदर से निकाल रहे होते हो, रेड ऑरेंज कलर की ये सॉइल होती है, सैंड होती है, और इसको जब आप यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये तमाम साल से फ्री होता है, इस वजह से ये ज्यादा या मेजरली जो है वो हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी सैंड। सी सैंड यानी समंदर के किनारे से कोई ब्राउन कलर की आप जब सैंड कलेक्ट करते हो, तो उसको हम पर्पजेस के लिए यूज भी करते हैं, लेकिन कंक्रीटिंग में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब समंदर का पानी है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के साल्ट होते हैं, वो साल्ट सैंड के साथ मिक्स हो चुके होते हैं, तो आप ज्यादातर जो है वो फिलिंग पर्पजेस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी होती है कि हम मिक्सचर पर्पजेस या कॉन्क्रीट वगैरह के अंदर ना यूज करें। अगर हम यूज करते हैं तो डिफरेंट टेस्टिंग वगैरह मटीरियल के ऊपर पहले से परफॉर्म होगी, उसके बाद हम इनको यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवर सैंड। अब रिवर सैंड बेसिकली हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बेड्स ऑफ द रिवर, के रिवर के बेड्स के ऊपर से हम कलेक्ट करते हैं स्ट्रीम्स के अंदर, बैंक्स के अंदर। उसके बाद ये जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, ये राउंडेड ग्रेन्स होते हैं वाइटिश ग्रे कलर के अंदर। रिवर सैंड हैज मेनी यूजेस इन द कंस्ट्रक्शन पर्पस, सच एज प्लास्टरिंग वगैरह के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सैंड, के जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आप सैंड यूज कर रहे हो उस सैंड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ऑल द सैंड पार्टिकल्स शुड हैव हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ, एक क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सरफेस टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल शुड बी स्मूथ, कि जो आपकी सैंड है उसके सरफेस टेक्सचर है पार्टिकल्स की वो स्मूथ होनी चाहिए। द एजेस ऑफ द पार्टिकल शुड बी ग्राउंडेड। उसके बाद द रेशियो ऑफ फाइंस बिलो 600 माइक्रोन्स इन सैंड शुड नॉट बी लेस देन 30%, के ओवरऑल जो 600 माइक्रोन से जो साइज कम है वो आपकी 30% से should not be less than 30% से कम नहीं होनी चाहिए। There should not be any organic impurities, जैसे मैंने बताया कि organic impurities से आपका sand जो है वो free होना चाहिए। Silt in sand, silt जो है silt का content sand के अंदर 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। In manufactured sand, the permissible limit of fines below 75 micron should not exceed 15%, के जो core suggest करते हैं 75 micron से जो आपकी size है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट मटेरियल आ जाता है कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट बेसिकली इज अनदर टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड इंक्लूडिंग सैंड, ग्रेवल एंड क्रश्ड स्टोन्स। ये आपका कोर्सर एग्रीगेट, जिसको हम बड़े पत्थर कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, जिनको हम जिनकी साइज जो है वो 4.75 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोर्स एग्रीगेट की जो जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑलरेडी पढ़ आए हो। थोड़ा सा आपने एक और चीज पढ़ी होगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, आई थिंक जहां पे हम लिखते हैं कि स्टेटमेंट कि एग्रीगेट बेसिकली इज एन इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल कहने का मकसद होता है कि इज एन इनएक्टिव मटीरियल, के वो कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं करता, लेकिन ये बात जो है वो हमारी सर्टन लेवल तक सही भी है। आजकल की जो रिसर्च है उस हिसाब से ये पता चलता है कि एग्रीगेट इज नो मोर एन इनर्ट मटेरियल, कि एग्रीगेट के अंदर जो उसकी कंपोजिशन है वो समटाइम्स रिएक्शन कर देती है, या समटाइम्स जो बाहर के एक्सटर्नल केमिकल्स या साल्ट्स वगैरह हैं वो स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं एग्रीगेट की को, और एग्रीगेट की स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक हो जाती है वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है डिफरेंट मटीरियल्स के साथ। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो बेसिक या गुड एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव, यानी कि इनर्ट मटेरियल होना चाहिए, केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं इंडस्ट्री के अंदर। इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ड इनफ होना चाहिए, ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए उसकी, रफ सरफेस टेक्सचर होनी चाहिए, प्रॉपर एक शेप हो और लिमिटेड पोर्स हो उसके सरफेस के ऊपर। मजीद हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू साइज, वी हैव नेचुरल एग्रीगेट्स एंड वी हैव आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। नेचुरल एग्रीगेट्स की ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन साइज है, और अकॉर्डिंग टू साइज हमारे पास फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट भी आ जाते हैं। अब नेचुरल एग्रीगेट या अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के अंदर दो टाइप के एग्रीगेट हैं, नेचुरल हो गए एक आर्टिफिशियल एग्रीगेट हो गए। नेचुरल जो कि हम खुद अरेंज करते हैं पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के बारीक पार्टिकल्स या वॉशिंग करके क्रश करके बड़े पत्थरों को हम बनाते हैं छोटे एग्रीगेट, उनको हम नेचुरल एग्रीगेट कंसिडर करते हैं। और कुछ होते हैं स्पेशल पर्पजेस के लिए हम अपने आर्टिफिशियल एग्रीगेट मैन्युफैक्चर करवाते हैं या बनवाते हैं, जैसे आपके स्टील के टुकड़े हो गए,
स्टील के पीसीज जो उनको आप कट करके एग्रीगेट की साइज में ले आते हो तो वो आर्टिफिशियल एग्रीगेट कहलाएगा। इसी तरह से जो रबर है, टायर वगैरह का रबर है, उसको आप पीस करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी आप यूज करते हैं अगर, तो वो भी आपके आर्टिफिशियल लाइटवेट आर्टिफिशियल एग्रीगेट कहलाएगा। अब आर्टिफिशियल लाइटवेट एग्रीगेट या आर्टिफिशियल एग्रीगेट से बहुत ही वाइड चैप्टर है जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटवेट एग्रीगेट आ जाते हैं, जैसे आपका लीका हो गया, कोकोनट शेल हो गया, सिलिका हो गया, उसके बाद आपके पास जो है वो पाम शेल हो गया, उसके बाद आप अगर बात करो तो प्लास्टिक के एग्रीगेट हो गए। तो ये तमाम आपके जो एग्रीगेट्स हैं ये तमाम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं आर्टिफिशियल लाइटवेट एग्रीगेट्स के अंदर या आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स के अंदर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू साइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है कि फाइन एग्रीगेट भी होता है और कोर्स एग्रीगेट भी होता है। फाइन एग्रीगेट जो है वो हमारे पास साइजेस वेरी कर रही होती हैं 0 point something से लेके 4.75 मिलीमीटर तक जो रेंज है उसको हम फाइन एग्रीगेट कंसीडर करते हैं, और जो कोर्स एग्रीगेट है वो 4.75 मिलीमीटर से लेके आपको 20 मिलीमीटर फॉर द नॉर्मल कन्वेंशनल कॉन्क्रीट, और आप अगर लीन कॉन्क्रीट की बात करते हो तो आपको 40 मिलीमीटर तक दी जाती है उसकी साइज में वगैरह। यहाँ पे आप दोनों इमेजेस भी देख सकते हैं कि फाइन एग्रीगेट भी हमारे पास है और कोर्स एग्रीगेट भी हमारे पास अवेलेबल है। So here we have uses of the coarse aggregate. Coarse aggregate here we can see in this picture. Coarse aggregate can be used for the concrete making, जो कि हम concrete बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और coarse aggregate हम road बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और coarse aggregate हम railways के नीचे जो है वो sleepers वगैरह को fix करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास different uses हैं coarse aggregate industry के अंदर किस तरह से और कैसे कैसे use होता है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, या कि मैं कोर्स एग्रीगेट के लिए हम फिजिकली कोर्स एग्रीगेट को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट साइजेस को चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन वी विल चेक अबाउट द शेप, जैसे आपने सुना होगा कि एलोंगेटेड शेप्स हैं एग्रीगेट्स की या फ्लेकी शेप्स हैं, तो हम जो प्रीफरेबली यूज कर रहे होते हैं वो एंगुलर राउंडेड टाइप शेप, हम वेल क्रेडेड शेप जो है वो हम प्रीफर कर रहे होते हैं। उसके बाद एग्रीगेट की सरफेस टेक्सचर, कि एग्रीगेट का सरफेस जो है वो स्मूदर नहीं, रफ सरफेस होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर बॉन्ड जो है वो डेवलप हो सके। उसके बाद हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट चेक करते हैं, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर हम वेट ऑफ एग्रीगेट इन एयर एंड वेट ऑफ एग्रीगेट इन वाटर जो है वो उसका हम एक रेशियो डेवलप कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एग्रीगेट की वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर जो है वो, ये दोनों प्रॉपर्टीज भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर। ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं, इनके अलावा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ये हम आप लोग जो है वो ड्यूरिंग लैब के दौरान ये तमाम चीजें जो है वो परफॉर्म भी कर रहे होंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्रीगेट की कौन कौन सी है, क्रशिंग वैल्यू है जिसके अंदर हम एग्रीगेट को एक जो हमारे पास मोल्ड होता है उसके अंदर हम रख के उसके बाद यूटीएम के जरिए एक लोड अप्लाई कर रहे होते हैं अराउंड 40 टन्स पर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए 40 टन्स का जो लोड है वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी 4 टन पर मिनट के हिसाब से इंटेंसिटी हमारी अप्लाई होती है। उसके बाद जो है वो हम एक डिफरेंट स्पेसिफिक 12 नंबर का सीव जो है उससे हम एक मेजर कर रहे होते हैं चीज़ों को, और हमारे पास जो ओवरऑल वेट जो पास होता है और रिटेन होता है उनका हम एक रेशो लेते हैं जिससे हमारे पास एक क्रशिंग वैल्यू आती है। उसके बाद हम इम्पैक्ट वैल्यू एक सर्टेन हाइट से एक ड्रॉप डेवलप करते हैं जिसके जरिए जैसे ही मटेरियल के ऊपर एक स्पेसिफिक वेट गिरता है तो मटेरियल जो है वो इम्पैक्ट के अंदर फोर्स एग्रीगेट किस तरह से बिहेव करता है। उसके बाद हमारे पास आती है लॉस इंजरीज एब्रेशन वैल्यू, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स एग्रीगेट कहलाती हैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, इंपैक्ट वैल्यू एंड लॉस इंजरीज एब्रेशन वैल्यू। एब्रेशन के अंदर हमारे पास एक रोटेटिंग ड्रम होता है जिसके अंदर हम लोहे के बॉल्स वगैरह फेंक के हम इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट और टेस्ट कर रहे होते हैं। ये भी आप इनमें से दो टेस्ट जो है वो भी आपने परफॉर्म करने हैं ड्यूरिंग द लैब के दौरान। उसके बाद टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन एग्रीगेट्स, पार्टिकल शेप एंड सरफेस स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑफ एग्रीगेट भी हम ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज क्रशिंग वैल्यू, इंपैक्ट एंड एब्रेशन वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर कंटेंट, डेलिटेरियस सब्सटेंसेस इन एग्रीगेट, समटाइम्स जो है वो एक डेंजरस सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं एग्रीगेट के अंदर या एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर चिपके होते हैं जब आप सीमेंटिंग प्रोडक्ट के लिए या कॉन्क्रीट के साथ जब मिक्स करते हो
तो एक जो है वो डेंजरस सब्सटेंस डेवलप होता है या एक अल्टरनेटिव रिएक्शंस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट या बल्किंग ऑफ सैंड, जिसके अंदर एक थिन लेयर जो है पानी की वो सैंड पार्टिकल्स के ऊपर आ जाती है, जिससे ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो सैंड का इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस है एग्रीगेट की, एग्रीगेट जो है वो बेसिकली एक कंट्री के लिए ओवरऑल इकोनॉमी या ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर या एक परफेक्ट जो है इकोनॉमिकल एक अप डाउन जो है वो एग्रीगेट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक नेचुरल रिसोर्स मटेरियल है। इसको आप बिल्डिंग्स के अंदर, होम्स, ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, हाईवेज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ जॉब डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट इंडस्ट्री। एग्रीगेट आपके पास अगर बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है तो आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिकल परफॉर्मेंसेस हैं वो उसी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो रही होती हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग अ कॉम्पिटेटिव सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी एग्रीगेट्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट एंड क्लोज टू द मार्केट। कि अगर आप यहाँ पे मुल्तान में कोई काम करवा रहे हो, एग्रीगेट आपके कराची से आएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे, तो नियर टू सराउंडिंग एरियाज आपको चीपली एंड रीजनेबल प्राइस के अंदर मटीरियल अवेलेबल हैं, तो आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोर्टर। मोर्टर से अंदर स्ट्रक्चरल मटीरियल, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल मटीरियल, जिसके अंदर हम ओवरऑल जो सीमेंट पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट और आपका जो सीमेंट है और सैंड है या फाइन एग्रीगेट, इन दोनों का जो मिक्सचर है पानी के साथ ऐड करके हम मोर्टर बनाते हैं। मोर्टर बेसिकली फिल करने के लिए या एक बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी या ब्लॉक मशीनरी के अंदर, या जहाँ पे इररेगुलर कोई गैप्स आ जाते हैं उनको भी फिल करने के लिए हम मोर्टर यूज करते हैं। मोर्टर बेसिकली इज अ लैटिन वर्ड ड्राइव फ्रॉम अ मोर्टेरियम मीनिंग क्रश्ड। ये हमारे पास जो है वो कॉमन नाम मोर्टेरियम भी यूज करते हैं, लैटिन वर्ड से निकला है मोर्टर का वर्ड, और ये हमारे पास डेकोरेटिव पर्पजेज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है मोर्टर की, ये एक प्रॉपर बाइंडर है जो कि ब्रिक मशीनरी या ब्लॉक मशीनरी वगैरह में हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मास ऑफ द स्ट्रक्चर, टू रेजिस्ट ऑल लोड्स कमिंग ओवर इट विदाउट डिसइंटीग्रेशन। यूनिफॉर्मिटी डेवलप करने के लिए जब आपके पास एक ब्रिक की लेयर है, उस लेयर के ऊपर आप जैसे ही मोर्टर से प्लास्टर करते हो तो ओवरऑल जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टू प्रोवाइड अ वेदर रेजिस्टिंग, अगर आप प्लास्टर के तौर पे बाहर से वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये आपके पास एक वेदर रेजिस्टिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहा होता है। वेदरिंग यानी कि बारिश का पानी है उसको वो एब्जॉर्ब करता है या उसको वो रेजिस्ट करता है स्ट्रक्चर के अंदर जाने से। अ ड्यूरेबल लेयर बिटवीन द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ मैसनरी इन द स्ट्रक्चर टू होल्ड कोर्स एग्रीगेट टूगेदर इन एनी कॉन्क्रीट टू फॉर्म अ सॉलिड मास। सॉलिड मास वगैरह डेवलप करने के लिए कोर्स एग्रीगेट को भी ये मोर्टर, बेसिकली मोर्टर के अंदर अगर आप कोर्स एग्रीगेट मिला दो तो वो कॉन्क्रीट बन जाती है। तो एग्रीगेट के सराउंडिंग में मोर्टर पेस्ट जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद पॉइंटिंग वगैरह करते हैं, प्लास्टरिंग वगैरह होती है, नॉन एज प्लास्टर भी, टू फिल अप द एम्प्टी जॉइंट्स एंड ब्रेक्स एंड स्टोन मशीनरी। मोर्टर जो है वो हमारे पास एज अ मटेरियल के तौर पर भी यूज होता है और ग्राउटिंग के तौर पर भी यूज हो सकता है। उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोर्टर, गुड क्वालिटी वर्कबिलिटी या गुड वर्कबल मोर्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कि ये हमारे पास गुड वर्कबिलिटी टू ईज लैंग वर्क एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ जॉइंट्स। कि अगर अच्छी वर्केबिलिटी का मोर्टर बना हुआ है तो इजी डेवलपमेंट होती है, ईजमेंट करता है, हमारे काम को आसान करता है, जिससे हम ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। गुड वाटर रिटेंटिविटी टू प्रिवेंट एक्सेसिव सक्शन ऑफ वाटर बाय ब्रिक्स दैट हैव हाई इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिटेन सफिशियंट वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कि जब आप ब्रिक्स के ऊपर लगाते हो तो जो आपका ब्रिक है, ब्रिक बेसिकली क्या करता है कि वो एक हाई एब्जॉर्बर है, वो पानी को बड़ी शिद्दत से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप मोटर को फौरन लगा देते हो तो वाटर जो है वो इवेपोरेट कर देते, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्रिक्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पीछे कम वाटर कंटेंट बच जाता है सीमेंट पेस्ट के अंदर, जो कि स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से डेवलप करता है। उसके बाद एडहेशन है और बॉन्ड्स हैं ब्रिक्स के अंदर, वो भी आप मोर्टर के जरिए से बना सकते हो। वाटर टाइटनेस है या ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वॉल है, डेवलपमेंट ऑफ सुइटेबल अर्ली एंड फाइनल स्ट्रेंथ वगैरह के लिए भी हम मोर्टर को यूज करते हैं।
उसके बाद वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वाटर रिटेंशन वाटर को रोकता है, एयर कंटेंट है, यूनिफॉर्मिटी है, वर्कबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये ओवरऑल मेजर प्रॉपर्टीज है मोटर की, कि जो भी मोटर आप बना रहे हो वो वाटर को रिटेन कर सके, उसकी एयर कंटेंट प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, मटीरियल यूनिफॉर्म बना हुआ हो, वर्केबल मटीरियल हो, उसकी लॉन्गर लाइफ हो, एक अच्छी स्पैन डेवलप कर सके और लॉन्ग एक लॉन्ग लाइफ के लिए या अच्छी एक उसकी मुद्दत जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो बॉन्ड या स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा डेवलप कर सके। सो नाउ वी हैव अ टाइप्स ऑफ मोटर एंड इट्स यूजेस। अब टाइप्स ऑफ मोटर कहने का मकसद कि मोटर के कितने टाइप्स हैं और उसके इस्तेमाल क्या क्या या कहाँ कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर वन सीमेंट मोटर, अगर सैंड के साथ आप सीमेंट को ऐड करते हो और मोटर डेवलप करते हो, दैट मोटर बेसिकली इज नोन एज अ सीमेंट मोटर। द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड सैंड इन सुइटेबल प्रोपोर्शंस इन एडिशन टू द वाटर। The general proportions is 1 part of cement and 2 to 8 parts of clean sand. Ratio आप 1 to 2 का रख सकते हो और ratio आपका जो है वो 1 to 3 भी हो सकता है, 1 4 का हो सकता है, 1 5 का up to 8 का ratio आप रख सकते हैं। These mortars must be used within a half hour, i.e. because the initial setting time of the cement is 30 to 45 minutes. इसको आप कहाँ यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ मोर्टर सीमेंट मोर्टर कैन बी यूज इवन फॉर द डिफरेंट पर्पजेज, जहाँ पे आपको अच्छी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो, लोड बियरिंग वॉल्स के अंदर, डीप फाउंडेशन के अंदर, उसके फ्लोरिंग पर्पजेज वगैरह के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सीमेंट की जगह पे लाइम को ऐड करें तो दैट मोर्टर बेसिकली इज नोन एज अ लाइम मोर्टर, जिसको हम सुर्खी या जो है वो हम मिक्सिंग लाइम को या हम जो है वो सैंड और सुर्खी को ऐड करके हम लाइम मोटर भी डेवलप करते हैं। और ये जो मटेरियल है बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये इवन फॉर द अबव द ग्राउंड लेवल आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इवन फॉर द एक्सपोज पोजीशंस वॉल्स वगैरह पे, प्लास्टर वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। इफ सुर्खी इज टू बी एडेड इन लाइम मोटर द इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड एंड सुर्खी शुड बी मिक्स्ड विद द लाइम। अब सीमेंट के अंदर आपने देखा कि हम 1:1 अगर 1 part सीमेंट का रख रहे हैं तो आपको 8 parts हम सैंड तक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो लाइम मोर्टर के अंदर हम इक्वल सब्स्टिट्यूशन रखते हैं कि अगर आपका 1 part सुर्खी का है तो आप उतना ही जो है वो मटीरियल आप सैंड ऐड करते हो, तभी आपका जो है वो मोर्टर डेवलप होता है। उसके बाद हमारे पास है लाइट वेट मोर्टर। अब लाइट वेट मोर्टर बेसिकली द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वुड पाउडर, वुड साइन और सा डस्ट विद सीमेंट और लाइम मोर्टर। तो जो आपका लाइटर मटीरियल है सा यानी लकड़ी का जो भूसा है उसको आप ऐड करते हो तो आपके पास जो है वो लाइट वेट मोर्टर डेवलप होता है। इन सच मोर्टर्स फाइबर्स और जूट वायर और एस्बेस्टोस फाइबर्स कैन आल्सो बी यूज्ड एंड दे आर जनरली यूज्ड फॉर द फाइबर प्लास्टर्स इन साउंड एंड हीट प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन। साउंड एंड हीट प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए हम जो है वो प्रीफर करते हैं लाइट वेट मोटर वगैरह बनाना और उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद फायर रेजिस्टिंग मोटर है, जिसके अंदर द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम सीमेंट एंड फाइनली क्रस्ट फायर ब्रेक्स इन सुइटेबल प्रोपोर्शन इन एडिशन टू वाटर। द यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ 1 part ऑफ एल्यूमिनियम सीमेंट एंड 2 parts ऑफ फाइनली क्रस्ट फायर ब्रेक्स। फायर ब्रिक्स का 2 हिस्से और 1 सीमेंट एल्यूमिनियम सीमेंट का हिस्सा आप ऐड करके फायर रेजिस्टिंग सीमेंट भी डेवलप कर सकते हैं मोर्टर भी। सो दे आर जनरली यूज्ड फॉर द लाइनिंग फर्नेसेस ओवंस एंड फायरप्लेसेस विद फायर ब्रिक्स। कि आप इसको जो हाई टेम्परेचर जोन्स हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ओवंस हो गए, फायर प्लेसेस हो गए, फर्नेसेस हो गए, उनके अंदर आप फायर रेजिस्टिंग मोर्टर भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन मटेरियल है दैट इज मड मोर्टर, जो हम जो अपना कच्चा गारा जिसको हम कहते हैं उसके जरिए से हम जो है वो किले को ऐड कर रहे होते हैं सैंड के अंदर, हमारा जो है वो मटेरियल डेवलप हो रहा होता है। ये नॉर्मली ब्रिक वर्क और रूरल एरियाज के अंदर जो अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं वो सारी मड मोर्टर से डेवलप होती हैं। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट मटीरियल इज कॉन्क्रीट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट वाटर एंड एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स इन टर्म्स ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑल्सो एंड इन सम केस एंड मिक्सचर्स। अब कॉन्क्रीट के अंदर कौन से मटीरियल हो गए, पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गए, फाइन एग्रीगेट सैंड हो गई और कोर्स एग्रीगेट स्टोन हो गए, और इन सम केसेस के अंदर हम एडमिक्सचर्स वगैरह भी यूज करते हैं। इन तमाम मटीरियल का जो कंपोजिट मटीरियल डेवलप होता है दैट इज कॉन्क्रीट।
Cement and mortar form a paste that hardens and bonds the aggregate together. कि आपने सिंपल एक मोर्टर बनाया फाइन एग्रीगेट सीमेंट और वाटर के मिक्सचर का, उसके अंदर जो है वो हमारे पोर्स एग्रीगेट होते हैं जिनके सराउंडिंग में ये पेस्ट हार्ड हो जाती है और ये कंक्रीट को डेवलप करता है. कंक्रीट इज ऑफन लुक्ड अपॉन अ मैन मेड रॉक, जिसको हम इंसान का बनाया हुआ एक पत्थर भी कंसिडर करते हैं कॉन्क्रीट को. सो वॉट आर द पैसिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट? Concrete has a strength, of course, उसकी strength बहुत अच्छी होती है. Durability, एक life अच्छी है. Versatility, वो आप किसी भी form के अंदर कहीं पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. And economy, वो हमें बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ जाता है. It can be placed or molded into a virtually any shape and reproduce any surface texture. एक कंक्रीट को आप वर्चुअली किसी भी शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो और उसको जो है वो एक जिस तरह का आप सरफेस टेक्सचर चाहो उस तरह से भी बना सकते हैं. कंक्रीट इज अ वर्सटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल अडैप्टेबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेजिडेंशियल एरियाज, रेजिडेंशियल यूजेस आल्सो. इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज रिलेटिवली कांस्टेंट एट लो स्ट्रेस लेवल्स बट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट हाई स्ट्रेस लेवल्स एज मैट्रिक्स क्रैकिंग डेवलप्स. जैसे ही क्रैकिंग डेवलप होती है हायर स्ट्रेसेस के अंदर इलास्टिसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन लोअर स्ट्रेसेस के अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा बेहतर होती है. कंक्रीट अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है. कंक्रीट हैज अ लो हैज वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड इट हैज एंड इट मैच्योर्स एज कंक्रीट शेप्स. कि जो थर्मल एक्सपेंशन है टेम्परेचर की वजह से जो कंक्रीट के अंदर एक्सपेंशन डेवलप होती है वो आपका कंक्रीट के अंदर थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे ही कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा होता है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या श्रिंकिंग की वजह से वो काउंटर बैलेंस हो जाती है. उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है कंक्रीट की, इंपॉर्टेंस क्या है? विद प्रॉपर मटीरियल एंड टेक्निक्स कंक्रीट कैन विदस्टैंड मेनी एसिड्स, साइलेज, मिल्क, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, वाटर, फायर एंड एब्रेशन. कि कंक्रीट जो है अगर आप प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर प्रोपोर्शन यूज करते हैं तो आप वो रेजिस्ट कर सकता है डिफरेंट एसिड्स को, मिल्की सब्सटेंसेस को, ऑयली सब्सटेंसेस को, फर्टिलाइजर्स को, पानी को, आग को और एब्रेशन प्रॉपर्टीज को भी. कंक्रीट कैन बी फिनिश्ड टू प्रोड्यूस सरफेस रेंजिंग फ्रॉम ग्लासी स्मूथ टू अ कोर्सर टेक्सचर. कि आप एक ग्लास की तरह स्मूथ सरफेस से लेके एक पत्थर के तरह जो सरफेस होता है रफ टेक्सचर सरफेस, उसमें किसी भी तरह का जो है वो सरफेस आप डेवलप कर सकते हैं कंक्रीट के अंदर और कोई भी कलर और पिगमेंट वगैरह भी ऐड कर सकता है. कंक्रीट हैज सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन. कंक्रीट जो है वो स्ट्रॉन्गर है कंप्रेशन के अंदर लेकिन टेंशन के अंदर जो है वो वीकर है. मोस्ट स्ट्रक्चरल uses such as beams, slats, manual tanks, lids involved in post-concrete, which depends on concrete strength in compression and steel strength in tension. ये जो आपके beams हैं, columns हैं, जो आपके members हैं, structural elements हैं, उनके अंदर हम reinforced concrete use करते हैं. Concrete जो है वो compression को resist करता है और steel जो है वो tension को resist करता है. So requirements of a good quality concrete. कि अच्छे क्वालिटी कंक्रीट जो है वो या एक अच्छा कंक्रीट हम उसको किस तरह से रिक्वायर करते हैं या रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट मस्ट हैव अ गुड स्ट्रेंथ, गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमी. फ्रेश कंक्रीट मस्ट बी वर्कएबल, वो वर्कएबल होना चाहिए, उसकी वर्कएबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम इजीली उसको काम कर सकें. एंड इट मस्ट हैव अ कंसिस्टेंसी एंड फिजिकल मेकअप, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली कंक्रीट के अंदर एक प्रॉपर मिक्सचर डेवलप हुआ हो ताकि जब हम उसको अप्लाई करें वो सेग्रीगेशन ऑफ द मटीरियल, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से सेपरेट ना हो. उसके बाद जो है वो यूनिफॉर्मिटी इन बोथ फ्रेश एंड हार्डेंड कंक्रीट, कि जब आप उसको मिक्स कर रहे हो उस वक्त जब आपने लगा दिया हार्डेंड कंक्रीट ड्राई हो गई, उन दोनों केसेस के अंदर कंक्रीट के अंदर यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी डेवलप होनी चाहिए. इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वेयर वाटर टाइटनेस इज रिक्वायर्ड, कि जहां पे आपका अगर कोई पानी का वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, पानी का टैंक है, जहां पे आपने पानी को स्टोर किया हुआ है, वहां पे आपकी प्रॉपर कंक्रीट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मिटी है, वो आपने मेंटेन करनी है. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज कर सकते हैं. उसकी बहुत ज्यादा वेरियस एप्लीकेशन है, पेमेंट्स के अंदर, पाइप्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर, फाउंडेशन, रोड्स,
ब्रिजेस, ओवरपासेस, अंडरपासेस, वॉल्स, फुटिंग्स एंड गेट्स, किसी भी किस्म की जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, कंक्रीट को अच्छे तरीके से सक्सेसफुली आप बना सकते हैं. सो व्हाट आर द सम टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कौन से हैं? लाइम कंक्रीट है, जिस तरह का सीमेंट है उसी तरह की कंक्रीट के नाम है, उसी तरह से कंक्रीट जो है वो उस टाइप का एक नया कंक्रीट बन जाता है. जिप्सम कंक्रीट है, लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट है, रेगुलर कंक्रीट है, प्रीमिक्स्ड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, स्टैम्प्ड कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, उसके बाद लाइट वेट कंक्रीट, वैक्यूम कंक्रीट, शूट कंक्रीट, सेल्युलर कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ग्लास कंक्रीट, एस्फाल्ट कंक्रीट, रैपिड स्ट्रेंथ कंक्रीट, रबराइज्ड कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट एंड जियो पॉलीमर और ग्रीन कंक्रीट. इनके अलावा अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, वाइट सीमेंट कंक्रीट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, तो जिस तरह का आपने सीमेंट यूज किया, जिस टाइप ऑफ सीमेंट आपने यूज किया, उसी तरह से आपका टाइप ऑफ कंक्रीट भी डेवलप हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.